आज हमारे देश को आजाद हुए 72 वर्ष हो चुके हैं और ये 73वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हमारे बीच में पधारे हमारे इस पूरे कार्यक्रम के सबसे बड़े मार्गदर्शक हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय मैडम नीरू मैडम जो साथ में हमारा सौभाग्य है कि सर के साथ पधारी हैं और हमारे बीच में उनके बेटे भी आए हैं और हमारे साथ बैठे भी हमारे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री दीपचंद जी हमारे गोष्ठी प्रशासन श्री सचिन सिंह जी हमारे सभी जीएम साहबान डिप्टी जीएम साहबान सभी यहां पर आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण सभी हमारे कार्मिकगण आए हुए तमाम सारे अतिथिगण पत्रकार बंधु हमारे कॉलेज से आए हुए हमारे ये प्यारे बच्चे बेटियां मैडम जिनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चों ने अभी बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया हम सभी को आज डबल बधाई देते हैं दोहरा एक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं क्योंकि इस देश का आज एक और बहुत बड़ा पर्व हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के साथ हमारी माताएं हमारी बहनें हमारी बेटियां जिनके लिए आज महापर्व है रक्षाबंधन का उसके लिए भी हम सभी भाई बहनों को भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं अथॉरिटी प्रशासन की ओर से आज इस 73वीं वर्षगांठ पर अभी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे देशभक्ति भरे गीत और हमारे धीरज सिंह जी जो अच्छे कलाकार के रूप में इस पूरे क्षेत्र में विख्यात हैं लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनके वाणी से भी हम लोगों ने एक बहुत ही देशभक्ति भरे ओजस्वी जो गीत हैं वो सुने। आज का ये दिन हमारे लिए न केवल ऐतिहासिक दिन है बल्कि उन सारे पलों को याद करने का एक सुनहरा दिन है जिनको लेकर के आज हम गर्व की अनुभूति कर सकते हैं और एक श्रद्धांजलि की अनुभूति कर सकते हैं क्योंकि 7,32,000 हालांकि ये आधिकारिक तौर पर कहीं रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन अनाधिकारिक तौर पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारी तमाम सारे उपाख्यान तमाम सारे एपिसोड हैं हमारे पास जिनके साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 7,32,000 लोगों की शहादत के बाद आज ये हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आजादी का दिन जो 15 अगस्त 1947 को आया था वो मामूली दिन नहीं था हमारे देश के तमाम सारे शहीदों ने अपनी शहादत देकर के वो आजादी का दिन हमारे सामने रखा था। हम थोड़ा सा उसके इतिहास में जाना चाहेंगे क्योंकि हम सब लोग अपने कहीं ना कहीं कामों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने उस बहुत सारे गौरवपूर्ण जो इतिहास की बातें हैं जो क्षण हैं जो पल हैं जो कहीं ना कहीं किताबों में बंद पड़ी हैं उनको हम कभी टटोल नहीं पाते उनको कभी याद नहीं कर पाते और उन तमाम सारे अनाम शहीदों जिन्होंने कोई नाम के लिए कोई यश के लिए नहीं त्याग दिया अपने प्राणों के लिए अपने प्राणों की जो शहादत दी वो कोई नाम के लिए नहीं कि हमारा कहीं नाम हो जाए वो इस देश के लिए इस धरती के लिए एक बलिदानी के रूप में जन्म लिए थे और उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के हमारे देश को आजाद कराया। ये आजादी का पहला लौ 29 मार्च 1857 को हमारे अमर शहीद मंगल पांडे जी ने जलाया था जो बंगाल इन्फेंट्री के बैरकपुर के एक सिपाही थे बहुत ही साधारण सिपाही थे हमें उनका नाम कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके साथ एक और सिपाही थे श्री ईश्वरी प्रसाद जी हम इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी ये बात हमारे सिपाहियों में जो हमारे देश के तमाम सारे सिपाही थे जिनको वर्दी और राइफल पहना करके उनको खड़ा कर दिया जाता था अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए उनमें ये सिपाही थे बंगाल इन्फेंट्री के बंगाल थल सेना के मंगल पांडे जी और ईश्वरी प्रसाद जी ये भी बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे और ये तमाम सारी बातें लोगों के बीच
फैल चुकी थी कि उस समय जो राइफलें आई थी, जो बंदूकें आई थी, उनका जो कारतूस था, कार्टिज था, उसका जो कैप खोलना पड़ता था, उस कैप को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था। ये वास्तव में इस घटना में कितनी सत्यता है, इतिहास अभी भी इस पर अनुसंधान कर रहा है, इतिहासकार इस पर बहुत सारी बातें अपने रखते हैं। लेकिन अंग्रेजों का तर्क था कि नहीं, वो बकरी के चर्बी और मधुमक्खी के शहद से वो कैप बनाया जाता है। लेकिन हमारे सिपाही ये मानने को तैयार नहीं थे। उन सिपाहियों ने इस बात को रखा और विरोध व्यक्त किया कि यह हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, हमारे इस्लाम धर्म के अनुयायी, उनके लिए सुअर एक नापाक जानवर माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए गाय एक पवित्र पशु के रूप में, उसको मां का दर्जा देता है हमारा हिंदू संप्रदाय। तो इस नाते हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ा जो एक संदेश था वो गया अंग्रेजों के प्रति, निश्चित रूप से एक ऐसा धर्म को खराब करने के लिए या धार्मिक भावना को खराब करने के लिए इस तरीके से अंग्रेजी शासन कर रहा है। 1857 में 29 मार्च ये तारीख हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये आजादी का लौ जलाने वाला पहला तारीख था जब मंगल पांडे ने कारतूस यानी गोली राइफल में बंदूक में भरने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों से कहा, ये कारतूस में आपने गाय या सुअर की चर्बी मिलाई है, इसके कैप में हम कतई इसको, इस गोली को राइफल में नहीं भर सकते। उसका विरोध करते ही अंग्रेज के जो वहां ऑफिसर थे मिलिट्री के, उन्होंने उसको डांटा, फटकारा, और जब वो नहीं माने तो अंत में ईश्वरी प्रसाद को कहा कि इसको गोली मार दो। ईश्वरी प्रसाद जी ने इनकार कर दिया, कहा नहीं, मेरे साथ का सिपाही है और मैं इसके विचारों से सहमत हूं, मैं कतई गोली नहीं मार सकता। और देखते देखते बंगाल इन्फेंट्री की पूरी फौज जिसमें हिंदुस्तानी सिपाही थे पूरे विद्रोह पर उतर आए। उसको, उस विद्रोह को हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह माना जाता है, 29 मार्च 1857 ईस्वी का वो दिन। और उस समय चूंकि आईपीसी नहीं बना था, कोई पैनल कोर्ट नहीं था कि किस नियम किस दंड विधान के जरिए किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाए, अंग्रेजों ने बंगाल से लेकर के लाहौर, बलूचिस्तान, कराची तक, पंजाब, कश्मीर सब पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन कोई ऐसा विधान या कानून उस समय नहीं बन पाया था जिसके तहत वो सजा सुनाते। लेकिन बिना किसी विधान के ठीक 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी जाती है। वो दिन इतिहास में ऐसा काला दिन के रूप में याद किया जाता है आधुनिक भारत के इतिहास में, जब अंग्रेजों के ऊपर ये बहुत भयानक आरोप लगे कि आप तो तानाशाही और यहां पर शासन करने के लिए आए हैं, हमारा उत्पीड़न, हमारा शोषण करने के लिए आप यहां पर आए हैं, आप हमारे विकास के लिए कोई चीज नहीं सोचने वाले हैं। हालांकि 1853 में पहली बार उन्होंने रेलवे की लाइन बंबई से ठाणे तक चलाया था जो 50-60 किलोमीटर का ही था, शुरुआत की थी विकास की, लेकिन भारतीय जनता इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थी जब 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई मंगल पांडे जी को और ईश्वरी प्रसाद जी को, तो इस घटना ने पूरे देश को गिरा दिया। हालांकि उसमें संचार माध्यम हमारे बहुत कमजोर थे, इतने अखबार भी नहीं छपते थे, बहुत सारी चीजें हमारे देश में अभी विकास की प्रक्रिया में थी, लेकिन उस समय भी हमारे देश में इतनी जागृति फैल गई थी 8 अप्रैल 1857 की घटना को लेकर के कि लोगों ने विद्रोह किया। इसी दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी हुआ करती थी, 1828 में वो पैदा हुई थी, 1842 में उनकी शादी हुई झांसी नरेश गंगाधर राव जी से, लेकिन दुर्भाग्य से 1851 में उनको एक पुत्र रत्न का लाभ हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, और 1853 में गंगाधर राव जी की मृत्यु हो जाती। उसके बाद झांसी का जो स्टेट था, झांसी का जो साम्राज्य था, वो रानी लक्ष्मीबाई जी के हाथ में आया और उनके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि उस समय उनको राज्य के हित को भी देखना था और राज्य की सुरक्षा
जिसको अंग्रेज बराबर चैलेंज कर रहे थे वो भी देखना था। लेकिन उस जमाने में जहां इतने संसाधनों का अभाव हुआ करता था, रानी लक्ष्मीबाई जो मात्र 29 वर्ष की अवस्था की थी, 28 जून 1858 को अंग्रेजों से अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त की। ये रानी लक्ष्मीबाई का वो संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ी हुई कड़ी, एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसने अंग्रेजों के चूरे हिला दी थी और अंग्रेजों को एहसास कराया था कि तुम अपना जो साम्राज्य विस्तार का स्वप्न देख रहे हो ये इतना आसान काम नहीं है। अंग्रेजों ने उस जमाने में ये महसूस किया, एक तो मंगल पांडे की घटना, फिर रानी लक्ष्मीबाई का एक बहुत बड़ा संघर्ष और उनके प्रति एक पूरे देश में जो सहानुभूति की लहर फैली। ये ऐसी रानी जिसने